त्यों नानक दास बोले। जुगो जुग अटल शब्द सतगुरु, तन तन गुरु ग्रंथ साहिब जी, गुरु पातशाह दे हजूर हाजरीन सत्संगत जीओ, जिस तरह के असी सब वाकफियत रखते हैं कि अज दे समागम संत बाबा प्रेम सिंह जी मुराले वालियां दी 17वीं मिठी याद नू समर्पित समागम ने। बाबा मक्खन शाह लुबाणा सिख एसोसीएशन ऑफ कैनेडा वालों ये सेवा कराई जा रही है। आप समूह सत्संगी बने हो, अजे हुणे हरी जस कीर्तन आप सरवन कर रहे सी। अगले कुछ पल इसे प्रथाए कुछ गुरबाणी विचार दा समां सी बतीत करांगे। जितने एक जी हाजिर हो, जे मेरी आवाज़ तुहाडे तक पहुँच रही है तां एक वार सब प्रेम फतेह बुलाउणी कह देना जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब पातशाह जी दी पावन बाणी दी असी आगोशियत नूं माण रहे हां। बाणी दा जे असी बचन पढ़ते हाँ तो महाराज अहसास कराउंदे ने कि मनुख धरती ते पैदा होया है, तो इस मनुखां दी समुची जिहड़ी होंद आ इहदे च कुछ कैटेगरीज आउंदियां ने। कुछ लोग उह ने जिहड़े इस कायनात विच अपने कर्म दे बद्धे होए कर्मां नूं भोगदे ने। कुछ लोग उह ने जिहड़े करतारी कर्म नाल सरशार हो के आउंदे ने, ते उहदे कर्म उहदी वडियाई नूं संसार दे विच उस रूप दे विच स्प्रैड करदे ने, उहनूं फैलाउंदे ने। इह बचन जे लिटरली तौर ते मैं कहां तो सुखमनी साहब रचना जो आप कुछ बचन अक्सर अलापदे हो, इहदी इक उथानका भी है। साई मियाँ मीर गुरु अर्जन साहब जी दे चरणों का पौरा सी, ते गुरु महाराज नाल बड़ा इश्क सी, बड़ा खलूस सीगा उसनों। ये भी सानू मिलता है कि उन्हें बहुत सारी गुरु ग्रंथ साहब की रचना की फारसी जबान दी तर्जुमानी की सी। वक्त की झिल दे विच जदों सानू सर्वाइवल का इशू रहा, उस सोर्स साढ़े कोलों चले गए, अदरवाइज शायद वो बड़े शाकार सुरस होंगे अज की तारीख के। गुरु अर्जन साहब नाल एक बार बैठे हाँ, बात करते हाँ महाराज नाल। साई मियाँ मीर कहिंदा है, कहिंदा गुरु अर्जन साहब जो सवाल जे हुणे असीं कीता कि कुछ लोग तो कर्म के बदे धरती ते आउंदे ने, बहुते असीं कर्मां दा भोग भोगदे हाँ। एंड जदों मैं गल कर रहा तो जस्ट कोई तुहाडे बिलीव सिस्टम विचों नहीं कल्ली गल आ रही है, मैं तुहानू एग्जैक्टली मॉडर्न साइकोलॉजी दे विचों बात कह रहा कि मॉडर्न साइकोलॉजी साड़ी इस लैवल ते पहुँच गई है कि जिहड़ी साड़ी डेस्टनी है दैट इज ऑलरेडी डिटरमिंड। इट्स डेस्टनी तुहाडी जिहड़ी है तय है, स्टडीज आ रही ने हुण। जस्ट असी उस डेस्टनी नूं की करना है, असी जस्ट उन्हों अटेन करना इन गिवन सरकमस्टांसिस दे विच। तो किवें डिटरमिन हो गई? कुछ बीते तो आ रहा नाल, पछोकड़ जो आ रहा नाल। बंदा कर्म हंडा रहा है, मगर फिर असी कहने नहीं नहीं एक्सैप्शनल चीज़ा मिलदिया ने, जरूरी तो नहीं। जिथे एक्सैप्शनल चीज़ा मिलदिया ने उथे उथे गिवन सरकमस्टांसिस दे विच कुछ इहो जिहा वापरदा जिहनूं बाणी कहिंदी कोई पुरबला अंकुर फुटदा आ, ते वो अंकुर फुटन दा कोई आले दुआले सोर्स बनता है। वैन वी आर टॉकिंग अबाउट सोर्स, दैट सोर्स कम थ्रू इन ह्यूमन फॉर्म। वो आउंदा ह्यूमन फॉर्म दे विच आ, पर हुंदा हुंदा किसी स्पिरिचुअल अंगेजमेंट नाल रिलेट करता है, जिहनूं असीं कोई संत बिरती, कोई साधु बिरती, कोई इहो जिही जिहड़ी है हस्ती दे रूप विच बयान करते हैं।
हुण जिहड़ी बात मैं पहला प्रारंभ की उहदे ते वापस आवां। साईं मियां मीर जदों गुरु अर्जन साहब नूं इह पुछदा आ तो उहदा सवाल यह हुंदा गुरु अर्जन साहब कुछ इहो जिहियां रूहां ने जिहड़ियां कर्मबद्ध नहीं हैगियां जिहड़ियां जीवन मुक्त ने पर उहनां दी आमद भी हुंदी धरती ते आखिरकार वह की कारण आ। तो गुरु अर्जन साहब हस के कहिंदे कहिंदे साईं जी तुसीं ते गौड़ी सुखमनी दे बड़े उहदे सांझ रखण वाले हो तुसीं ते एवें नहीं पुछ सकते। तो कहिंदा गुरु अर्जन साहब नूं पातशाह कई बार चीज़ां अखां दे सामने हुंदियां ने पर जिन्नी देर तक माँ उंगल ला के ना दसे उस्ताद इशारा करके ना समझाए नहीं समझ आउंदियां। पढ़न नूं ते कायदा ही हुंदा आ, कायदा लफज भी फारसी का आ, कायदा ही हुंदा आ, पर उस कायदे नूं भी कोई बड़ी क्याफत दे नाल बड़े वेरवे दे नाल समझाउंदा है तां कायदा समझ आउंदा है। गुरु अर्जन साहब कुछ तरस करो, बात सामने भी होए तो समझ नहीं आउंदी। ते महाराज ने सुखमनी साहब रचना चौड़ासी शब्द पढ़दे आ ना, जन आवन का यह है सुआओ, जन कै संग चित आवै नाओ। महाराज जिक्र करते जिहड़े जन ने ना, जिन्हां नूं जिहड़े जानकार ने, जन का मतलब ये लफज बनता है पीपल हू नो अबाउट एवरीथिंग, दोज आर जन। पीपल हू नो अबाउट themselves, दे आर जन। पीपल हू नो द रियल ट्रूथ, द रियल रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड, दे आर जन। वो जन जिहड़े अपने आप नूं चीणदे ने, जाणदे ने, अहसासदे ने। सब कहिंदे उहनां दे आउण दा वी इक स्वार्थ आ। स्वार्थ की है, जन आवन का यह सुआओ, जन कै संग चित आवे नाओ। उन्हां दे जरिए वो नाम चेते आवे जिहड़ा नाम जर्रे जर्रे च जरखेज होके बैठा मौजूद आ। हुण मैं एग्जाम्पल अज दी दुनिया विचों देना वा। चीज़ां कई बार बहुत असी COVID-19 चो लंघ रहे हैं। March 13 तो बाद आ पहला दीवान है इत्थे, बाई चांस अदरवाइज मैं ते आप बड़ा भुमक्कड़ बंदा आ, कदी इत्थे कदी उत्थे ऑल ओवर द ग्लोब ट्रैवल करदा। तो लगता एवें हुंदा सीगा कि ये जिहड़ा पैर दा चक्कर है एवें ही रहना है, किते हो ही नहीं सकता दो हफ्ते किते स्टेबिलिटी होए, मतलब इधर फ्लाइट फड़ी तो इधर चले गए, इधर चले गए तो इधर चले गए। 13 मार्च तो बाद ऑलमोस्ट मार्च तो ही लै लो सारे, तो मार्च तो लैके तो आ जून का अद्ध आ गया। आई एम ऑलसो एक्चुअली हेयर इन द सिटी। तो कमाल की गल है, मैं इसे गुरुद्वारा साहब ही कथा कर रहा लगातार उदों तो लैके हुण तक, मतलब नेम दे विच इस तरीके दे नाल। तो ये दोपहर का दीवान उदों तो लैके अज लगा। सो इस तरीके तुसी देखो चीज़ां नू इस परसपैक्टिव दे विच। हुण जिहड़ी मैं बेनती करन लगा सीगा उस रूप दे अंदर कि बंदा ये सोचता आ कि मैं अपने इंटलैक्ट दे नाल, बौद्धिकता दे नाल बहुत कुछ कर सकना, बड़ा मैं समर्थ हाँ, बड़ा उस रूप दे विच। ते इस बौद्धिकता दे मंडल दे विच जिहड़ा एक बिलीव सिस्टम काम करता सीगा साडा, असी उहनू छुट्याउण ते उहनू जिहड़ा हैगा घट करन ते उहदे उत्ते बहुत फोकस कीता, बड़ा जोर लगाया। इहदे बाबत मैं तुहानू अज दी दुनिया दे विचों दो एग्जाम्पल्स देण लगा वां। पहली एग्जाम्पल मैं देना वा, किताब च इहदा नां हैगा कौमी वसीयत, तुहाडे शायद कुछ सज्जनां ने कदी पढ़ी होए। लिखारी है जसवंत सिंह कंवल, आप सारे जानते हो, नावलिस्ट हैगा, कॉम्युनिस्ट सीगा, सारी उम्र जिहड़ा हैगा कॉम्युनिज्म दा झंडा चुकिया सारा उस रूप दे विच। उम्र दे अखीरले पड़ा दे विच जदों आया उदों कुछ चीज़ां बदलियां, जदों चीज़ां बदलियां तो उन्हें कुछ चीज़ां लिखियां। कौमी वसीयत दी भूमिका च जिहड़ी उहदी प्रीफेस है उहनूं कदी पढ़ो, उहदे च की लिखदा उह लिखदा है कि असी असल दे विच पंजाब दे इस खिते दे विच लाल इनकलाब लियाउण दी ट्राई कीती, असी बड़े वड्डे फेलियर च गए, फेल हो गए। उहदा रीज़न भी तो होएगा कोई, ये धरती जिहड़ी है ये योधियां दी जाई धरती है, इस धरती ने जिहदा हथ फड़िया जिस चीज़ नूं एक वारी उंगल रख दित्ती उहनूं सिरे ला दा, पिछली हिस्टरी इहदी बयान करदी इस तरीके दे नाल। असी फेल होए, रीज़न की एडा वड्डा साडे फेलियर होण दा? तो फिर उस फेलियर च एक रीज़न ये दसदा है, कहिंदा कारण ये सीगा इस धरती का जर्रा जर्रा रब रब गुरु गुरु कूकदा आ, असी
ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਿਆ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਸੈਟ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਸਦਕਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬੇਗਾਨਗੀ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਅਤੇ ਉਸ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਰਹਲੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਮੂਮੈਂਟ ਟੋਟਲੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਨ ਆਵਨ ਕਾ ਇਹ ਹੈ ਸਵਾਉ, ਜਨ ਕੇ ਸੰਗ ਚਿੱਤੇ ਆਵੈ ਨਾਉ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਰੂਹਾਂ, ਹਸਤੀਆਂ, ਜੀਵਨ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪੁਲ ਦਾ ਬ੍ਰਿਜਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੁੱਗ ਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਬਿਗਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣ ਲੱਗ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਡਰਨ ਵਰਲਡ 'ਚੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੈਟੀਕਨ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਪ ਬੈਠਾ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੋਪ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ, ਪੋਪ ਜੋਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿਕਰ। ਇਹ ਬੜੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਵੀ ਕਹਿ ਲਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈਲੀ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਵੀ ਕਹਿ ਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਅੱਤ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਓਫਿਸ਼ਲੀ ਗਲੈਲੀਓ ਦੀ ਸੌਰੀ ਨੂੰ ਵੈਟੀਕਨ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੈਟੀਕਨ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਥ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਉਦੋਂ ਵੇਦਾਂਤੀ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਇਹਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੇਟਵੇ ਆਫ ਸੈਲਵੇਸ਼ਨ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੇਰ ਆਰ ਅਦਰ ਵੇਜ਼ ਪੀਪਲ ਹੂ ਕੈਨ ਗੈਟ ਐਕਚੁਲੀ ਸੈਲਵੇਸ਼ਨ ਬਾਏ ਹੈਲਪਿੰਗ, ਬਾਏ ਐਕਚੁਲੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਦੋਜ਼ ਪਾਥ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਦਰ ਵੇ ਅਦਰ ਪਾਥ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਲੋਕ ਸੈਲਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸਨੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਫੇਥ ਡਾਇਲੋਗ ਆ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੋਨੋਪੋਲਿਜ਼ਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਬਲੈਕ ਲਾਈਵਜ਼ ਮੈਟਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨੋਸ਼ਨ ਬਿਲਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਮੋਮੈਂਟਮ ਬਿਲਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੈਟਸ ਐਕਚੁਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ CBC ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਿਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਉਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਆਊਟਸਾਈਡ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਕਾਲ ਆਈ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਲ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਉਹਨੇ 8 ਘੰਟੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬਾਈ, ਪਤਾ ਕਰੇ, ਆਊਟਸਾਈਡ ਏਜੰਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਉਹਦਾ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੋਮੈਂਟਮ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਐਗਜੈਕਟਲੀ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਜਜਮੈਂਟਲ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਿਕਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਜਮੈਂਟਲ ਵਿਊ ਨਾਲ ਪਿਕਅਪ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਸੋਰਸ ਨੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੈਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਬਾਤ ਉਸ ਲੰਮੀ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆਵਾਂ। ਸੋ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਬਿਲਡ ਕੀਤੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਐਜ਼ ਏ ਪੋਪ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ, UK ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਵੇਰੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਡੋਲਸਸ ਪੇ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ, ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਟੋਨੀ ਬਲੇਅਰ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਨ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਟੋਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਟੋਨੀ ਬਲੇਅਰ ਦਾ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਏ ਸਾਇੰਸਟੋਲੋਜਿਸਟ, ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸਤਕ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ 'ਚ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ, ਆਈ ਐਮ ਨੋਨ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਰਸਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਕਿ ਵੈਟੀਕਨ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪੋਪ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਂਡ ਮੈਂ TV 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ,
उन्हें जो उन्हें सवाल पूछा उन्हें दो पल का पॉज लिया तो पॉज लैन तो बाद कहता है भी आई एम ए नॉन बिलीवर आई बिलीव इन साइंसटॉलोजी बट लेट मी टेल यू टूडे आई कैन अनाउंस आई बिलीव इन गॉड आई बिलीव इन ऑल माइटी मैं रब विच विश्वास करता मैं वैसे मैं नॉन बिलीवर सीगा पर मैं तुम दसदा मैं रब विच विश्वास करता वो कहिंदे सी ते पॉप ते डेथ दे उत्ते तेरा पहला जिहड़ा सीगा तेरी स्टेटमेंट लैनी सी कि तेरा खास करके रिएक्शन लेना सीगा ते तू ये गल की कर रहा है कहिंदा मैं तुहानू पूरी गल दस रहा ना मैं वैसे रब विच विश्वास नहीं सी करता पर मेरा हुण विश्वास रब विच बन गया मैं समझदा रब है रब एग्जिस्ट करता है वो कहिंदे वह क्यों कहिंदे इस करके क्योंकि उहदा नां प्रसारण वाले प्रचारण वाले उहदा जिक्र करन वाले जे पॉप जोन वर्गे बंदे धरती ते मौजूद रहे ने ते हुण आ जाओ गुरु ग्रंथ साहब दे विच गुरु ग्रंथ साहब पता कहिंदे ने गुरु ग्रंथ साहब सानूं बयान करदे ने कि सफल जन्म हर जन को उपजो जिन कीनो सौत विधाता थोड़ी जी लैंग्वेज तुहानूं हार्ड लगेगी मैं थोड़ा सरल करता हां पंजाबी दे दो वर्ड ने सौंतरा ते औंतरा कुछ लोग औतर नखत्र हुंदे ने कुछ लोग सौंतरे हुंदे ने आपनूं पता है इस गल दा औंतर नखत्र कौन हुंदे ने जिन्हां दा कोई ना लैण वाला ना होए सौंतरे कौन हुंदे ने जिन्हां दे जाण तो बाद भी उन्हां दा जिक्र करन वाले होण हुण गुरु साहब पता की कहिंदे गुरु साहब कहिंदे रब दियां असीं सारियां ही औलादां वा पर कुछ औलादां ओह ने जिन्हां नूं वेख के ये लगता है भी रब जिहड़ा है ना ये उत्तर नखत्र ही होना है भाव उहदा ना प्रसारण विच उहदी मदद नहीं मिलती उहनां दी आमद नाल उहनां दा आउणा ना आउणा रब दी होंद अनहोंद नूं उहनूं किसे लैवल ते लोकां तक प्रसारदा नहीं गा उहदा जिक्र धरती ते नहीं करदा पर कुछ लोग ऐसे होंदे ने जिन्हां दे आउण दे नाल उहनां दा कल्ला आउणा नहीं होंदा रब दे नां दी आमद होंदी है रब दा जिक्र होंदा है रब दा भय भाव संसार विच फैलदा है महाराज कहिंदे सफल जन्म हर जन को उपजो उस जन्म दा धरती ते आउणा सफला आ जिन कीनो सौंत विधाता जिदे जिक्र दे नाल रब दा जिक्र आया ते रब भी सौंतरा हो गया रब नूं भी सौंतरा कर दिता एक्चुअली साडे कल्चर दे विच साडियां ट्रेडिशन दे विच ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਗੇਜ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਿਜਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਉਸ ਅਪਲਿਫਟਿੰਗ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਮੈਂਟਲੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਹਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੁਹਰਾਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਾਂਗਾ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੈਮਐਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਐਜ਼ ਏ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਹੈਵ ਗਿਵਨ ਮੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝੋ ਕੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਪਿਰਿਚੁਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਬਾਤ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਮੈਂਟਲੀ ਡਿਸਟਰਬ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆ ਮੈਂ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਤ ਕੀ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੋਕ ਸੈਲਫ ਆਈਸੋਲੇਟ ਰਹੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਵਰਸਨ ਦੈਨ ਵਰਸਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਹਾਲਤ ਬਣ ਗਈ ਉਹਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਮੈਜਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਰਹੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮੈਂਟਲੀ ਡਿਸਟਰਬ ਆ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਪਲਿਫਟ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੰਗ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸ਼ੌਂਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀਲਸ ਆਫ ਲਾਈਫ ਗੋਰੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਆ ਨਾਸਾ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਿਹਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਵੀਲਸ ਆਫ ਲਾਈਫ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪੜਾਅ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅੰਦਰ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵੱਕਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਕੋਨਸੈਪਟ ਕਰਦੀ ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਨੋਲਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਗੋਨਾ ਟੀਚ ਯੂ ਬਾਏ ਦਿਸ ਬੁੱਕ ਇਸ ਕਿਤਾਬ 'ਤੇ ਦੇ ਨਾਲ
हाउ टू कंट्रोल योर माइंड। हुण उहदे उत्ते जिहड़ा रिव्यू कीता बंदे ने, रिव्यू यह कीता, कहिंदा कि माइंड इज़ कंट्रोलिंग एवरीथिंग। तुहाडा जिहड़ा मन आ उह सारे कासे नूं कंट्रोल करदा है। मन नूं कंट्रोल कौन करेगा भाई? इत्थे फिर स्पिरिट आउंदी है जिहड़ी मन नूं कंट्रोल करदी है। जे बंदा शरीरक तौर पर अज COVID-19 से क्या जा रहा है, बंदा कोविड नाल मर नहीं सकता जो मैंटली प्रिपेयर है। जदों डैथ होएगी उदों होएगी जदों मैंटली वीक हो गया, जदों ने लग गया यू नो आई एम गोइंग, मैं नहीं सर्वाइव कर सकता। क्योंकि सारी रिलेशनशिप तुहाडी ब्रेन दी ऑक्सीजन नाल, जिवें इहदे च म्यूकस जिहनूं तुसीं बलगम वगैरह कहिंदे हो थोड़ा वधिया ते लैक ऑफ ऑक्सीजन होनी है। थॉट्स उहदे नाल जिहड़ा हैगा नैगेटिव आने शुरू होणगे। जे तुसीं उस किस्म दी एक्सरसाइज नहीं करदे फिर होएगा कि अंदर थॉट आने शुरू हो जाणगे, ओहो मैं नहीं बचना, मैं नहीं बचना, मैं नहीं बचना। जे उत्थे लैवल आ गया ओए बंदे घबराउणा क्यों है, जिउणा मरना रब दे लेखे विच हैगा, अकाल पुरख वाहिगुरू ने चाहिया ते जे हैगा सदा आ गया ते चले जाणा, जे ना होया ते रहांगे। घबराउण दी लोड़ नहीं, अपने आप नूं स्टेबल रख। होएगा कि इहदा टोटल जिहड़ा पीरियड आ लैस दैन 15 डेज आ, 2 वीकां। जिन्हों होर डीप लैवल से देखे जी स्टडी आई है वो टोटल 3 से 4 दिन का है। बंदा जे घंटिया गिने तो मात्र 100-125 घंटा बनता है। जे बंदा वो सफ़र करता होया भी इस तरीके थोड़ा जहा लै जाए तो कहें कहें बंदा सर्वाइव कर जाता है। ये चीज़ की है जी इस सारे च कम करती है, स्पिरिट, स्पिरिचुअली इंगेज करना आ। हूँ आ जाइए पंजाब की उस फिजान के जिथे गुरबत है, जिथे सर्वाइवल का इशू है, जिथे अनेकों तरह दीयां समस्यावां ने, ते बंदा घबराया होया डरिया होया किथे जाएगा। जिवें बाबा प्रेम सिंह जी की बात करदा मैं, घबराया डरिया होया बंदा आवे इहो जी परसनैलिटी दे कोल ते आके आखे कुछ नहीं बाबा जी, मुंडा भी आखे नहीं लग रहा, धीआं विआहुण वालियां ने, खेते च जमीन विच पैसा पैसा कुछ नहीं, पैदा कुछ नहीं हो रहा, की होएगा हुण इस सारे दे विच होएगा की? तुसीं शब्द पढ़ो गुरु ग्रंथ साहिब दा, महाराज जिक्र करते हैं, जाको मुश्किल अत बने टोई कोई ना दे, लागू हुए दुश्मना साख भी पज खले, सबो पजे आसरा चूके सब असराओ। सारे आसरे परने टुट गए, सब कुछ हो गया। तो उसनू कोई एक शख्स कहिंदा आ जिहड़ा आम पिंड का बंदा आया, और तू रब नू चेते करो, रब दा नां लिया कर। हुण उस बंदे नू खुद नू पता है कि मैनू तो कहिंदा रब दा नां लिया कर, तो आप शाम नू ठेके जाके शराब पींदा। आप माड़ी जी गल हुंदी है ते किसे जाके पंडित नूं हत्थ विखाउंदा है। आप माड़ी जी गल हुंदी है ते चाचे मामे फुफड़ ते मासड़ कट्ठे करदा भी ओहो मैनूं आ चीज़ हो गई। इस तरीके नाल उहदी गल दा प्रभाव 0 है। उसे वक्त बंदा एक ऐसे शख्स कोल जांदा है जिहड़ा बंदा भावना दे नाल किते मालक दा नाम लैंदा है, रब दी आस्था च रहिंदा है, ते उहदे कोल अहसास करदा है। जाके बंदा जाके सारी मुश्किल बयान करदा ते उह कहिंदा घबरा ना, ओए इहो जी मुश्किल ते नहीं हैगी कि तेनू गुरु अर्जन साहब तरह तत्ती तवी ते बहना पे। वो एहो जी मुश्किल ते नहीं हैगी कि तेरी जिहड़ी इत्थे खोपर लैंदा होए, एहो जी मुश्किल ते नहीं हैगी। एहो जी 5-10 गल्लां करदा है, रब दा विश्वास दिंदा, बंदा चढ़दी कला च वापस आउंदा है ते अहसास करदा देयर इज ऑलवेज न्यू टुमारो, एक नवा कल होएगा कल नूं। ये जिहड़ा फील कराउणा आ इहदे नाल सोसाइटी अंगेज हुंदी है, इहदे नाल समाज चढ़दी कला वाले पासे जांदा है। यही रब दा नाम है। बाणी कहिंदी साहिब होर कुछ भी नहीं, जे मेरे तो पुछ दिओ ना ते साहिब मेरा नीत नवा, सदा सदा दातार, नित नवा आ ते सदा दातार रूप आ। ये हस्तियां जिन्हां दा असीं जिक्र करके अज भी गुरु ते रब नूं याद कर रहे हैगे आ, इहो ब्रिज ने, इहो युग पुरश ने असल रूप दे अंदर। ते इस अहसास नूं तुसीं माण पा रहे हो, यह भी वड भागत आया ਕਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਟੋਰੋਂਟੋ ਦੇ ਇਸ ਗਿਰਦੇ ਰਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਤੇ 70 ਵਰੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਅਤੇ ਇਕੱਲਾ ਆਪ ਨਾ ਬਣਾਇਓ। ਜਿਹੜੀ ਟੌਕ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਆਪ ਤਾਂ ਕੁਝ ਜੀ ਆਇਓ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਤੇ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਜਾ ਕੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਿਓ ਜਾ ਕੇ।
ये छोटियां छोटियां चीज़ां जिहड़ियां ने जिहड़ी मैं बात की ना कि अज जिहड़ी मॉडर्न सोसाइटी से गल की जा रही है कि ये कि अपने रूट्स के नाल बच्चियां नूं जोड़ो, आही तरीका रूट्स के नाल जोड़न दा बच्चियां नूं। मैं अज हालात की देखदा, मैं मैंटल हैल्थ की गल करदा, टाइम हो गया, जस्ट एक मिनट तुहाडा लवांगा। इट्स वैरी प्रैक्टिकल थिंग। पिछे साढ़े ना एक नोशन डिवेलप हो गया, नोशन हो गया डिवेलप कुछ पखंडवाद करके, कुछ होर चीज़ा करके, तो लोगों ने सोचा कि टोटल जड़ा हैगा या जिहड़ी स्पिरिचुअल अंगेजमेंट करने वाली सारिया हस्तियां ने इन सारिया के तुसी अगेंस्ट खड़े हो जाओ पिछोकड़ वे सारे रूप दे च। इहदे नाल होएगा कि जिवें पहला गल की कि जसवंत सिंह कंवल इस गल नूं मनदा है कि असी आप अपने हत्थी अपनी तबाही जिहड़ी है उह सिरज लई। हुण जिहड़ी गल मैं तुहानूं बयान करनी चाह रहा, छोटी जिही पल सिर्फ लै के समाप्ति कर देना, वो सिर्फ इतनी क गल चेते च रखो कि बच्चों जिवें मैं गल दसी है, साढ़े कोल मुश्किल नहीं सीगियां, बड़ियां मुश्किल सीगियां बेटा साढ़े कोल भी। अच्छा, असी मुश्किलों च की करते सी? असी स्पिरिचुअल शैडोइंग करते सीगे, रूहानी संगत करते सीगे, एहो जिहा रूहां दी साढ़े बजुर्ग करते सीगे, असी उन्हां नूं याद करते सीगे, उहदे नाल साढ़े अंदर हौसला वधदा सी, असी मुश्किलों फतेह करन वास्ते तुर पैंदे सीगे। एग्जैक्टली इहो चीज़ बच्चों समझाओ, लेटर और सोनर बच्चों च मुश्किल आनगियां, तकलीफा आनगियां, चैलेंजेस आनगे, जदों इस तरीके दे नाल अपनी वो हैरीटेज दे नाल अपनी विरासत दे नाल जुड़नगे, डेफिनेटली आज समागम भी मीनिंगफुल होणगे, ते साडी सारे दी सारी जिहड़ी यतनता आ इहदे च इहनां रूहां दी सानूं असीस मिलेगी। यही असल च मुख रूप परपज़ है साडे प्रोग्राम दा। महाराज बख्शिश करन तुहानूं वाकई च गुरु की असीस लगे। बाबा जी ने जिस तरीके का जीवन जी के एक मोमेंटम बिल्ड किया रूहानी तौर पर साडे समाज साडी कम्यूनिटी दे विच, असी उन्हों माण सकी, असी उन्हों इंजॉय कर सकी, ये दिली अरदास है। ढाडी वीर आ गए ने अगला प्रोग्राम तुहानू सरवण करवाउणगे। मैं भुल्लां गलतियां लई इत्थे माफ़ी चाहांगा। सब प्रेम आवाज़ दे के कहना जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतह।